खत्म करो इस नकचड़ी गोरी भैंस को। जुबान संभालो अपनी। जुबान की माफी। ओह हेलो, हाँ मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं। मुझे खुद के नाम की फिल्म बनाने के लिए किसके तलवे चाटने पड़े? उस आदमी का नाम नहीं बता सकता, पर नाम मेल खाता है वुल्वरीन से। एक और बात, उसे कोई नहीं डरा सकता किसी मंजर से, क्योंकि वो पिछवाड़ा भी खुजाता है खंजर से। उसे जाने मत देना और वो मिस्टेक मत करना जो मैंने की है, समझे? हाँ। वरना पूरी जिंदगी हाथ से काम चलाना पड़ेगा, बिस्तर नसीब नहीं होगा। सर वैसे हाथ में क्या प्रॉब्लम है? हाथों का इस्तेमाल करते करते हाथों की लकीरें खींच जाएंगी। तुम ज्यादा डिटेल में मत जाओ, इतना समझ लो कि गड़बड़ है। बहुत गंदा। गौर से देखिए इस मासूम चेहरे को। 2750। नहीं नहीं, काम के वक्त वॉलेट नहीं रखता, पिछवाड़े का शेप खराब हो जाता है। ओहो। पर मैं तुझे ताली दे सकता हूँ? कोई बात नहीं। मैरी क्रिसमस। बाप कसम, सेल्फी लेने के लिए कितना अच्छा पोज है ना। ए राजू, चल हो जा बाजू। वो हालत करूंगा जो म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक की करते हैं रीमिक्स करके तुझे। बाजू दिन में इतना वो हड्डी अभी डिक्की में बंद है, और जैसा आपने कहा था मैं उस हड्डी को भंगी रखूंगा, भुक्को करी रखूंगा और गीता की डिक्की में फेंक दूंगा। मेरा यकीन मानो, मैंने इससे ऐसा कुछ नहीं कहा था, ये कुछ और ही समझ बैठा। दुपिंदर, गीता का दिल जीतने का ये बिल्कुल गलत तरीका है। मुझे तुम पर नाज है। बंधु को सही सलामत उसके घर छोड़ देना, काट दे साले को, और फिर गीता का दिल जीतना अपने प्यार की ताकत से, गुलाब और चॉकलेट से। किडनैप कर उसे। वैसे सूट के अंदर का वेट भी पहले जैसा नहीं है। हाँ, चिड़िया बड़ी हो गई है। जुबान संभालो वेट, हमारे बीच एक बच्ची खड़ी है।